नमस्कार, मैं मनीष गुप्ता इस समय उपस्थित हूँ मेरठ जिले के रोडवेज बस स्टैंड पर। आप लोगों को इस कोरोना महामारी के चलते किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और अभी आप किन मुश्किलों के सामने से गुजर रहे हैं? सवारी परेशानी, बस से टाइम पर नहीं मिल पा रही है और यही बात है, ज़्यादा परेशानी है सवारी। बस भाई यही है, मजदूरी के लिए जा रहे हैं, कोई साधन का जुगाड़ नहीं हो रहा है, बहुत परेशान है भाई हम तो। तो घर परिवार कैसे चल रहा है फिर आपका, अगर आपके पास काम नहीं है तो? बहुत मुश्किल हो रहा है भाई, बिल्कुल मरने की कगार पे आ गए हैं, कोई काम नहीं है घर पे और बहुत मजदूरी भी नहीं मिल पा रही है, बहुत परेशान है। परिवार में जा रहे हैं, आपका क्या कहना है, किन समस्याओं से गुजर रहे हैं आप? हम भी यही इसी समस्या है कि हमको भी कोई काम नहीं है घर पे और हम इसी काम की वजह जा रहे हैं। अभी आपने देखा कि ये तीन भाई जो कोरोना महामारी के चलते लॉकडाउन के कारण आज इनको मजदूरी भी नहीं मिली है और ये लोग अपने काम धंधे की तलाश में पूरे दिन परेशान होने के बाद अपने घर की ओर प्रस्थान कर रहे हैं, लेकिन इनका कहना है कि इनके सामने आज आने जाने का जो साधन होता है उसकी बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो गई है। इनको घर परिवार चलाने के लिए भी लोगों से पैसे उधार मांगने की नौबत आ गई है, जिस वजह से ये काफ़ी परेशान है। और जैसा कि आप और मैं दोनों देख रहे हैं कि सामने भाई खड़े हैं, इनके चेहरे पर किस तरीके से उदासी छाई है सिर्फ इस परेशानी को लेकर कि ये लॉकडाउन कब तक चलेगा और कैसे हम अपने परिवार को पालेंगे, इस मुश्किल में इनका कौन सहारा बनेगा, इनके मन में यही सवाल है कि कौन हमारी मदद करने के लिए आएगा इस बुरे समय में। जनवाद टाइम्स की सभी खबरों को लगातार देखने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।